एवरी वन, दिस इज कोमल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है जोश इंडिया से लहंगा का रिव्यू। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ दो लहंगा का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि मैंने एक ऑनलाइन स्टोर जोश इंडिया से मंगवाया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकॉन को भी हिट किया हो, तभी आप मेरे चैनल से कनेक्टेड रहोगे। तो बेसिकली लास्ट मैंने बहुत सारे लहंगे का रिव्यू किया है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आए हैं, तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं। तो मैंने कुछ जोश इंडिया करके एक स्टोर है जो बेसिकली सूरत बेस्ड है गुजरात से, और वहाँ पे उस स्टोर में आपको ऑनलाइन लहंगा, सलवार सूट, साड़ी, ऐसे बहुत सारे कलेक्शन वहाँ पे मिल जाता है जो कि इंस्पायर्ड होते हैं, जो सेलिब्रिटीज ट्राई कर पहनते हैं उनकी रेप्लिकास के जैसे होते हैं, और प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल होती है। आपको 2000-3000 इसके आसपास आपको बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में बहुत ही वैरायटी के लेटेस्ट कलेक्शन के आपको लहंगाज और साड़ी और सलवार सूट भी मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैंने दो लेटेस्ट कलेक्शन का जो लहंगा है वो वहाँ से मैंने ऑर्डर किया है। सबसे पहले मुझे कुछ इस तरह के पैकेजिंग में ये दोनों लहंगाज इस तरह से रिसीव हुए हैं। ये देखिए पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सिक्योर तरीके से मुझे रिसीव हुआ है, तो मैं अब उसे ओपन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जोश इंडिया की जो रिटर्न पॉलिसी है वो 7 डे इजी रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप रिटर्न करवा सकते हो। उनकी वेबसाइट्स है जो जोश इंडिया, उनमें सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको बहुत सारे लेटेस्ट चूड़ी का कलेक्शन आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह का इसका पैकेजिंग है। तो ये है उनका पैकेजिंग, ये देखिए कुछ इस तरह से उनके बॉक्स में ही जो लहंगा का बॉक्स मतलब साड़ी कवर होता है, कुछ इस तरह के बॉक्स में वो मुझे पैक होकर मिली है। पैकिंग काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले मैं ये येलो लहंगे का रिव्यू करती हूँ जिसकी प्राइस आई थिंक 2000 के आसपास है। तो सबसे पहले उनकी जो वेबसाइट पर जो पिक्चर दिखाई गई थी वो कुछ इस तरह की है। तो लेट्स सी कि जो पिक्चर दिखाई गई है उनके अकॉर्डिंग इन लहंगा का मटेरियल है या नहीं, और पहनने में कैसी लगती है। इनका ट्राई ऑन हॉल भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर। ओके, सो पिक्चर में दिखाई गई थी कुछ उसी तरह का कलर कॉम्बिनेशन और सब कुछ उसी तरह का ही है। और ये देखिए इसका कलर थोड़ा सा जो लेमनिश येल्लो कलर होता है कुछ इस तरह का इसका कलर है। और इसके साथ हमें ये दुपट्टा एंड इसका ब्लाउज़ मिला है वो जो मैं बाद में बताती हूँ आपको। सबसे पहले मैं लहंगा दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह का कुछ लहंगा है जिसकी वेस्ट लाइन है। तो वेस्ट लाइन के हिसाब से अप टू 44 इंचेस तक आपकी वेस्ट है, तो इजीली ये आपको हो जाएगा। बेसिकली ये सेमी स्टिच लहंगा है, तो आपको यहाँ पे एक सिलाई लगवानी है तो आपका पूरा लहंगा रेडी हो जाएगा। और ये देखिए पूरा सिक्वेंस वर्क यहाँ पे किया गया हुआ है। लहंगे का जो फर्स्ट लेयर है वो कुछ इस तरह से नेट का लेयर है और काफ़ी अच्छी सॉफ्ट नेट है। कुछ लहंगे में ऐसी होती है कि जो नेट होती है बहुत ही हार्ड नेट होती है जो पहनने के बाद खड़ी रहती है, मतलब चुभती भी है, कुछ इस टाइप की नेट है। लेकिन ये बहुत ही अच्छी नेट है और पूरे नेट पर आपको इस तरह का सिक्वेंस वर्क दिया गया है, ये देखिए। और तो यहाँ पे इस लहंगे की जो लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप बहुत ही हाइटेड हो तो भी आपको ये इजीली फिट आ जाएगी उस तरह की है। और ये देखिए इसके बॉटम सेक्शन में कुछ इस तरह से डार्क येलो कलर और उसके ऊपर आपको पिंक और रानी पिंक दोनों मिक्स कलर है, और ऊपर आपको सिल्वर कलर के मतलब जो ग्रे कलर का थ्रेड होता है उसी तरह का यहाँ पर आपको ना पूरा एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया गया है जो पूरे लहंगे में है। और ये लहंगा इतना हैवी है कि मैं आपको पूरा दिखा भी नहीं सकती हूँ, मतलब ये देखिए ये पूरा इसका बॉटम सेक्शन है। और अब इसके अंदर लाइनिंग की हम बात करें तो सबसे पहला ये लेयर है जो नेट वाला सेक्शन का है, और उसके बाद सेकंड जो लेयर आता है वो साटिन का लेयर आता है कुछ इस तरह से। ये देखिए पूरा साटिन का लेयर है, और इसके अंदर आपको ना साटिन के लेयर के अंदर भी एक कैनकैन का लेयर मिल जाता है, ये देखिए बहुत ही हार्ड वाला। और इसके बाद यहाँ पे थर्ड जो है वो कैनकैन का लेयर है, और इसके अंदर अगेन एक लेयर है जो कि ये साटिन का लेयर है। तो इन शॉर्ट में आपको टोटल फोर्थ लेयर मतलब फोर्थ लाइनिंग मिल जाती है जो काफ़ी अच्छी है। जनरली हम मिंत्रा और उनसे जो लहंगे लेते हैं तो इसमें इतनी अच्छी लाइनिंग अंदर अस्तर नहीं होते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब कैनकैन भी होते हैं और अस्तर भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आप इस तरह के लहंगे ले सकते हो। तो ये देखिए इसका फॉल देखिए आप कितना हैवी लग रहा है, पूरा फुल फ्लेयर लग रहा है, और स्पेशली उस पर जो सिक्वेंस वर्क किया गया है वो काफ़ी अच्छा सिक्वेंस वर्क किया गया है।
अब बात करते हैं इसके दुपट्टा एंड इसके ब्लाउज की। तो इसके साथ हमें जो दुपट्टा मिलता है वो कुछ इस तरह का दुपट्टा है, ये देखिए पूरा नेट का दुपट्टा है। और यहाँ पे आपको ना ये देखिए पूरी इस तरह से सीक्वेंस की बॉर्डर दी गई है जो कि एंड में है, और ये चारों तरफ है, मतलब पूरे चारों तरफ दुपट्टा में आपको दी गई है जिससे काफ़ी अच्छी लगती है। और बीच में भी कुछ कुछ इस तरह की सीक्वेंस वर्क दिया गया है। और अब बात करते हैं इसके ब्लाउज की, तो ये देखिए ओके तो ये है इसका ब्लाउज पीस, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा है। जो ब्लाउज में आपको ना साटिन का कपड़ा मिल जाता है, ये देखिए पूरा साटिन का कपड़ा है, और इसके ऊपर आपको ना इस तरह से वर्क मिल जाता है। ये इसका फ्रंट सेक्शन है, ये देखिए, और इसमें आपको अगेन सिल्वर कलर से और सिल्वर कलर के थ्रेड से पिंक एंड और पूरा सिक्वेंस का वर्क मिल जाता है। और बैक साइड भी आपको इसी तरह का सेम वर्क मिल जाता है, ये देखिए, मतलब फुल आपको ना पूरा हैवी सीक्वेंस वर्क वाला। इसके अंदर आपको कोई लाइनिंग नहीं मिलती है, तो आपको बस अस्तर ये लगवाना पड़ेगा। तो ओवरऑल कुछ इस तरह का दुपट्टा एंड ये चोली है। तो अगर आपके घर में किसी की शादी है, आपकी खुद की शादी है, तो आप हल्दी फंक्शन में या फिर कोई छोटे मोटे वेडिंग फंक्शन में भी आप इस तरह की लहंगा चोली ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। जो प्राइस हम पे करते हैं 2000 के आसपास, तो उस प्राइस में डेफिनेटली वर्थ इट है, तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। और आप चाहे तो लिंक इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां से आप। जो लहंगा मैंने ऑर्डर किया है, फर्स्ट तो आप उसकी पिक्चर देख लीजिए, वेबसाइट में कुछ इस तरह की इसकी पिक्चर है। और अब देखते हैं कि इस तरह की क्वालिटी है या नहीं, डिज़ाइन इस तरह की है कि या नहीं। तो लेट्स सी कुछ इस तरह का है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये इतना नहीं लगा था जब मैंने ऑर्डर किया, तो इतनी अच्छी क्वालिटी का मतलब आएगा या नहीं वो ही मुझे डाउट था। तो देखते हैं, तो पिक्चर के हिसाब से पिक्चर में थोड़ा सा लाइट कलर मुझे दिखाई दे रहा था, और यहाँ पे थोड़ा सा बेबी पिंक की ओर जा रहा था जो वेबसाइट में वो पिक्चर है, बट यहाँ पे थोड़ा मजेंटा कलर पर हम बोल सकते हैं या फिर डार्क रानी कलर बोल सकते हैं, कुछ इस तरह के कलर पर ये जाता है। और ये देखिए, लेकिन ओवरऑल ये कलर काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसमें सबसे पहले हम लहंगे की बात करें, तो एक सेकेंड, ये है लहंगा। तो अगेन आपकी वेस्ट साइज 44 तक है, तो आप इजीली उनको स्टिच करवा सकती है, ये देखिए। और यहाँ पे आपको साटिन का कपड़ा मिलता है, साथ में यहाँ पे आपको कैन का एक लेयर मिलता है जो कि हार्ड बेस पर थोड़ा सा है, और पूरे लहंगे में इस तरह से सीक्वेंस वर्क दिया गया है, ये देखिए। मतलब अगर आप कहीं रिसेप्शन पार्टी में या फिर कॉकटेल पार्टी हो, कुछ इस तरह के फंक्शन में आप इन तरह के इसी तरह के सिक्वेंस वर्क के कुछ हैवी लहंगे ट्राई करते हो, तो बहुत ही ज़्यादा है भी लगते हैं। तो मैं आपको बोलूंगी आप इस तरह के लहंगे को जरूर ट्राई। तो यहाँ पे इस लहंगे की जो लेंथ है वो काफ़ी अच्छी लेंथ है, तो अगर आपकी हाइट है, आपकी हाइट 5'11" है, तभी तक आपको भी अच्छी तरह से ये पूरा आ जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है वो पूरा इस तरह से नेट का लेयर है, जिसमें आपको टिक्की वर्क यानी कि सिक्वेंस वर्क मिल जाता है। और यहाँ पे अगेन जो सेकेंड लेयर है वो साटिन का इस तरह से लेयर है, डार्क रानी पिंक कलर पे, और इसमें आपको कैन का लेयर मिल जाता है। और अगेन आपको ये थर्ड लेयर मिलता है जो कि कैन का लेयर है, और इसके बाद लास्ट अगेन साटिन का जो लेयर मिल जाता है। तो सेम जो प्रीवियस वन वाला लहंगा था उसी तरह से इसमें आपको 4 लेयर मिल जाते हैं। और ये देखिए पूरा लहंगा, इसका फ्लेयर काफ़ी अच्छा है, फ्लेयर वाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कैन की वजह से ये पूरा हैवी फ्लेयर भी दिखेगा। तो लहंगा कुछ इस तरह का है। और इसके साथ जो ब्लाउज हमें मिलता है, ये देखिए, ये देखिए, ये इसका ब्लाउज है। आपको अगेन साटिन के फैब्रिक पर आपको सिल्वर कलर एंड
क्या बोलते हैं इसको, अगेंस्ट सिक्वेंस वर्क जो टिकी वर्क दिया गया है ये आपको मिल जाता है पूरी फ्लावरी प्रिंट में। फ्रंट एंड बैक दोनों साइड आपको इस तरह का वर्क हैवी मिल जाता है और लेंथ वाइज भी काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी हैवी बर्स्ट है तो भी आपको इजीली अपने मतलब ये स्टिच हो जाएगा कुछ इस तरह का है। अगेन इसमें कोई लाइनिंग आपको नहीं मिल जाती है तो आपको अलग से लाइनिंग लगवानी पड़ेगी। और इसके साथ जो दुपट्टा मिलता है ये देखिए, ये है इसका दुपट्टा। दुपट्टा सिंपल आपको नेट का मिलता है और ये नेट थोड़ी सी हार्ड है कंपेयर टू द लहंगा। लहंगे में जो नेट यूज़ की गई थी वो थोड़ी सॉफ्ट बेस पर थी, ये थोड़ी सी मुझे हार्ड लगी। और उसके ऊपर आपको अगेन सीक्वेंस वर्क मिल जाता है सिल्वर कलर का और पूरी जो दुपट्टा की लेंथ एंड विथ दोनों काफ़ी बढ़िया है। और उसके ऊपर आपको इस तरह से सिल्वर से हैवी थोड़ी सी मतलब चौड़ी बॉर्डर आप बोल सकते हो कि इस तरह की बॉर्डर मिल जाती है। ये देखिए इसका फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छा है बॉर्डर का। तो इस तरह से पूरा ये हैवी दुपट्टा दिखता है। ये देखिए अगेन इसकी जो प्राइस है वो आपको 2000 के आसपास है। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। Feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. तो आई होप गाइस आज का ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आया हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और जोश इंडिया में ऐसे बहुत सारे लहंगा का कलेक्शन है तो आप एटलीस्ट एक बार उसे ज़रूर से चेकआउट करना। और मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।